पंजाब दे विच इस वेले सोशल मीडिया दे उत्ते एक मुद्दा बहुत गरमाया होया, उहदे उत्ते जिहड़ा लोक मीम्स बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। दरअसल होया कि 13 सितंबर वाले दिन जदों दिल्ली दे मुख्यमंत्री अमृतसर दे विच सीगे, उहनां दी उद्योगपतियां नाल मीटिंग सी। उत्तों पहलां उहनां ने स्कूल ऑफ एमिनेंस जिहड़ा छियाटा दे विच उहदा उद्घाटन किया। उस मौके अमृतसर दे विच जिहड़ी उहनां ने उत्तों बाद इंडस्ट्रियलिस्ट नाल मीटिंग की। पंजाब सरकार दे 3 मंत्री जिहड़े उसे दिन अमृतसर दे विच एक बड़ी मशहूर जगह कुलचियां दी, उत्थे कुलचे खाण चले जांदे आ। उह जदों जाके उत्थे देखदे आ तां कुलचियां दी दुकान ते रश हुंदा। दस्सिया जांदा कि उह सामने एक होटल दे विच रूम लैण चले जांदे आ कि असीं जिहड़े कुलचे आ इह होटल दे कमरे च खावांगे। उह कमरा खला लैंदे आ। होटल वाले उहनां नूं कहिंदे आ कि तुसीं इहदे पैसे जिहड़े आ उह दे दिओ, जिहड़ा तुसीं कमरा लिया 5500 रुपया वी कहिंदे दे दित्ता जांदा। बाद चों उस होटल के खिलाफ पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिहड़ा वो नोटिस ते नोटिस जारी करने शुरू कर देंदा कि तुसीं साडे मंत्री जिहड़े आ उहनां कोलों पैसे कितना लै ले, क्योंकि उहनां 3 मंत्रियों के विच गुरमीत सिंह मीतहेर का नाम भी आउंदा कि वह भी उहनां विच शामिल सीगे जदों ये होटल का कमरा लिया गया। गुरमीत सिंह मीतहेर कोल ही महकमा हैगा पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। उस तों बाद जिहड़ा उस होटल नूं रणजीत एवन्यू दे विच जिहड़ा होटल आ उहनूं नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। इंस्पैक्शन होंदी आ होटल दी, जाके देखिया जांदा कि किचन दे विच साफ सफाई कहिंदे जी बहुत वधिया नहीं हैगी, साफ सफाई सही ढंग नाल नहीं कीती हुई, जनरेटर जिहड़े आ उहनां दा जिहड़ा धुआं वो सही तरीके नाल एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, वो एक हाइट जिहड़ी हाइट ते होना चाहिए उत्थे नहीं है, इन्नी बरीकी दे नाल जिहड़ा मामले की छानबीन होंदी है, जनरेटर रख्या ही सही नहीं कहिंदे। उस तों बाद कहिंदे आ कि जिहड़ा तुसीं ये कचरा सुट्टदे हो ये भी सही ढंग नाल नहीं सुट्टदे, इहदा डंप जिहड़ा वो नहीं सही बनिया होया। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बड़ी बरीकी दे नाल जांच करता। होटल दे जिहड़े ओनर आ जिहड़ी मैनेजमेंट आ उहनां नूं कोर्ट दा सहारा लैणा पैंदा भी साडे ते खिलाफ हो गए, उहनां नूं नोटिस ते नोटिस जारी हो रहे हुंदे आ। उह सारी गल दसदे आ कि इदां इदां मंत्री आए सीगे, असीं उहनां नूं रूम दिता पर असीं उहदे बदले पैसे लए, जिहड़ा साडा फर्ज सी क्योंकि साडा तां बिजनेस ही इही है। हुण इही पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिहड़ा जदों लुधियाणा दे विच 30 अप्रैल नूं ग्यासपुरा एरिया दे विच गैस लीक हुई सीगी, जिथे इन्हां ने रिपोर्ट बना के देनी सी, पेश करनी सी कि दरअसल ये गैस लीक किदां हुई, जदों ये अपनी रिपोर्ट भेजदे आ तां उत्थे इन्हां दी इसे पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिहड़ा इन्नी बरीकी नाल होटल की जाँच कर रहा, इन्हां दी रिपोर्ट खारिज हो जाती है। NGT जिहड़ी आ उह रिपोर्ट खारिज कर दिंदी आ, उह कहिंदे तुसीं इह जिहड़ी 300 पन्नियां दी रिपोर्ट बणाई है इहदे विच इह तां किते जस्टिफाइड ही नहीं हुंदा कि कहिड़ी पर्टिकुलर फैक्टरी आ, 2 या 3 फैक्टरीज जिहड़ियां ने वो अपना जिहड़ा कैमिकल आ वो मेन होल दे विच सुट्टदियां पईआं, इह तां डिफाइन ही नहीं हुंदा। तुसीं तां इह लिख दित्ता रिपोर्ट दे विच कि ग्यासपुरा एरिया दे विच जिहड़ा वो फैक्टरीज बहुत आ ते उत्थे जिहड़ा कैमिकल जिहड़ा वो सुट्टिया जांदा, ये किस कसूरवार किनू ठहराइए, इहदे विच पता किदां लगेगा कि गलती किहदी सी, किहदी गलती नाल उस दिन 30 तरीक वाले दिन जिहड़ा 11 लोक मर गए जिहदे विच 2 बच्चे भी शामिल सीगे। बाद चो पंजाब सरकार मुआवजा दे रही सी उन्हां नूं 2-2 लाख रुपए का, 50-50 हज़ार जिहड़े इंजर्ड सीगे जिहड़े गंभीर रूप नाल जिहड़े बीमार हो गए क्योंकि उन्हां नूं गैस चढ़ गई, उन्हां नूं साह लैण दे विच दिक्कत सी। हुण इस सब दे विच NGT जिहड़ा नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्हां ने दोबारा जिहड़ा है इहदे उत्ते रिपोर्ट देण लई कहा, और ऐतकी उन्हां ने पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिहड़ा उहदे नाल नाल IIT दिल्ली दे प्रोफेसर की भी ड्यूटी लगाई है, नाल ही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इन इंडिया जिहड़ा उहदी ड्यूटी लगाई गई है कि वह महकमा भी देखे। नाल दी नाल उन्होंने जिहड़ा PBCB नूं कहा कि तुसी सिर्फ जिहड़ा इन्हां दे नाल ही रहना, इनक्वायरी जिहड़ी है ये आप ही करनगे, यानी कि उन्हां नूं हुण भरोसा नहीं है कि पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिहड़ा ये सही ढंग दे नाल जिहड़ा इहदा सर्वे करेगा, वह अपनी रिपोर्ट बनाएगा। पर क्योंकि पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन्नी बरीकी नाल काम करता, यह होटल दे कल्ले कल्ले रूम नूं चैक करता, यह होटल दीआं नुक्करां चैक करदे आ कित्थे जिहड़ा वो कचरा, कित्थों जिहड़ा गैस बन रही है, कित्थे कूड़ा वध पिया, कित्थे नहीं पिया होना चाहिए, होटल दे जिहड़े डंप है वह सही नहीं बने, होटल दा जनरेटर दा जिहड़ा धुआं वह इन्हां नूं नज़र च आ जांदा कि वह सही लैवल ते एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, पर उस जहरीले धुएं नाल उस जहरीली गैस नाल जिथे 11 लोग मर गए उत्थे इसे पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिहड़ी रिपोर्ट है वह खारिज हो जाती है। हुण तुसीं आप अंदाजा लगाओ कि यह जिहड़ा पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये किस तरह काम कर रहा है, कि जिथे इन्हां नूं इंसाफ उन्हां 11 बंदियां नूं दिवाना चाहिए कि किन्हां दी गलती नाल किहड़ियां
ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੋਲ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਤਾਂ 11 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਉਹ ਕਈ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ।